नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं, शुद्ध राजनीति देख रहे हैं आप। बिहार के चुनावी दंगल में न्यूज 24 पर दिए चिराग पासवान के एक बयान से सियासी घमासान मचा हुआ है। पटना से दिल्ली तक पूरी बीजेपी चिराग पासवान पर टूट पड़ी है। पार्टी के नेता बार बार सफाई दे रहे हैं, एलजेपी से बीजेपी का कोई नाता नहीं, लेकिन चिराग अब भी अपने रुख पर कायम है। कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी का एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। ना तो हमारी कोई बी टीम है, ना हमारी कोई सी टीम है। अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। जो बात पहले इशारों में कही जा रही थी वो खुलेआम कहने लगी बीजेपी। बिहार से दिल्ली तक चिराग पासवान के खिलाफ खुलकर उतर आई भारतीय जनता पार्टी। चार चार नेताओं ने चिराग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। चिराग को वोट कटवा कहने में भी अब बीजेपी को कोई गुरेज नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोट कटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। चिराग पासवान हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। बिहार में जिस प्रकार लोजपा अर्थात एलजेपी भ्रम और झूठ की राजनीति कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम स्पष्टतः बता दे, यह ऐलान करके बता दे, ना तो हमारी कोई बी टीम है, ना हमारी कोई सी टीम है। सवाल है कि आखिर नौबत क्यों आई? बिहार बीजेपी से लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पर बोलने को मजबूर क्यों हुआ? कल तक जो बीजेपी चिराग पासवान पर हमले से बच रही थी, उसने ये सरहद क्यों लांघी? जवाब है चिराग पासवान का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बिहार की अगली सरकार की भविष्यवाणी की थी। न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बातचीत में चिराग ने साफ कहा था कि अगली सरकार बगैर नीतीश कुमार बनेगी और वो सरकार बीजेपी और एलजेपी की होगी। आप भी सुनिए चिराग का वो बयान जिस पर मचा है बिहार चुनाव का सबसे बड़ा घमासान। अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि अगर बिना नीतीश के एनडीए और जेडीयू की सरकार को सपोर्ट करना पड़े तो आप करेंगे? बिना नीतीश, मैंने बोला आप करेंगे, तो ये कहा जा सकता है कि मैं तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं तो संकल्पित हूँ, मुझे भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है और 10 नवंबर के बाद भाजपा लोजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि बिहार की जनता में एनडीए को लेकर भ्रम तो है ही, और वक्त रहते इसे दूर नहीं किया गया तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ, मुझे दुख जरूर है इस बात का कि जब सुशील मोदी जी या भूपेंद्र यादव जी या प्रकाश जावड़ेकर जी अगर मुख्यमंत्री की भाषा अगर वो बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ और इस बात का मैं उनको श्रेय भी देता हूँ कि वो अपना गठबंधन धर्म बहुत ईमानदारी से निभा रहे हैं, पर वो जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं वो रामविलास पासवान जी की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। आज अभी दो दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं।